हेलो, कंटिन्यू करेंगे जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस जो हमने किए थे लास्ट टाइम, उससे नेक्स्ट जो है हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है हमें 10 9√3 to the base 113, तो इसको भी करने का सेम ही तरीका है जैसे हमने पहले वाले किए, इनको भी हम वैसे ही करेंगे। फॉर्मूला वही सेम लॉगरिथम का जैसे हम यूज करते आ रहे हैं, एन इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब यहाँ पे हमारा एन क्या है, एन है हमारा यहाँ पे 9√3 और बेस क्या है हमारा 1.3। यहाँ पे आ गया हमारा 1.3, पूरे की पावर को क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंट क्या आ गया हमारा यहाँ पे एक्स आ गया। दिस इंप्लाइज 9 जो होता है 9 का स्क्वेयर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2 है यहाँ पे 1/2 है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, दोनों पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। 2 + 1/2 इज 5/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज एक्स क्या आ जाएगा हमारा, एक्स इज इक्वल टू -5/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है हमारी लॉग ऑफ 9√3 to the base 1/3, ये हमारा किसके इक्वल निकल गया, -5/2 के इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट जो है उसमें हमें बताया गया है कि लॉग ऑफ 1728 to the base 2√3। अब इसमें भी सेम वही, एन क्या हो गया हमारा, एन इज इक्वल टू 1728 और ए जो है हमारा 2√3 है, तो इसमें लिखेंगे हम 1728 इज इक्वल टू 2√3 की पावर एक्स। अब 1728 के फैक्टर्स लेके जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, तो 1728 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे और 2√3 की फॉर्म में बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2√3 होल की पावर 6 इज इक्वल टू 2√3 होल की पावर एक्स। दिस इंप्लाइज एक्स जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखेंगे लॉग ऑफ 3 tan 30 डिग्री, बेस इसमें 3 है और tan 30 है, तो tan 30 की जो वैल्यू रहती है वो हमारी क्या रहती है, लॉग आगे यहाँ पे tan 30 की जो वैल्यू रहती है वो हमारी रहती है 1/√3 और बेस क्या है हमारा 3 है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसका मतलब एन क्या हो गया हमारा, एन जो हो गया वो हो गया हमारा 1/√3 और आगे जो बन रहा है एन जे हो गया, ए हमारा कितना है 3 है, 3 की पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा 3 की पावर -1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। इसका मतलब इसका आंसर जो बन रहा है वो हमारा क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू -1/2। आगे इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे हमने डेफिनेशंस में लिखा हुआ है लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एन इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर एन जो है ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है और ए नॉट इक्वल टू 1 है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ये चीज़ देखते हैं कि अगर एन ग्रेटर देन 0 की बजाय अगर हम 0 ले लेते हैं या इसमें लेस देन 0 से कम वैल्यू लेते हैं, तब ये जो लॉग है क्या हम उसको डिफाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं,
कंडीशन कंडीशन फॉर एन इज इक्वल टू माइनस वन. अगर माइनस वन करके देखते देखेंगे कि क्या, अगर ये क्योंकि हमने डेफिनेशंस में देखा है कि ये जो हमारा एन है, अगर एन ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब हम लेस देन लेके चल रहे हैं. लेस देन लेके चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है क्या हम इसको सॉल्व कर पाते हैं. एग्जाम्पल अगर हम ले लें लॉग ऑफ टू, बेस यहाँ पे टू है और एन की वैल्यू जो है माइनस फोर हमने ले ली. हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हम इसको डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि टू की ऐसी कौन सी पावर है कि अगर हम उसको पावर्स को अगर हम रेस करें और ये हमारा माइनस फोर के इक्वल बन जाए. अगर हम सिंपली अगर हम देखते हैं कि अगर हम टू की पावर को अगर हम स्केयर करते हैं वो प्लस फोर ही बनती है, माइनस टू को अगर हम स्केयर करेंगे तब भी ये प्लस फोर बनेंगी. मतलब कोई भी वैल्यू टू की पावर को हम अगर रेस करें तो वो हमारी माइनस फोर के इक्वल नहीं बन सकती. किसी भी पावर्स को अगर हम लेके देखते हैं तो टू की पावर को अगर हम किसी भी पावर्स को रेस करें तो वो माइनस फोर के इक्वल नहीं बन सकती. तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो ही अकर नहीं कर रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है. क्योंकि ऐसे करके भी बोल सकते हैं बिकॉज नो पावर ऑफ टू रेज इज इक्वल टू माइनस फोर. किसी भी पावर को अगर हम टू की पावर को रेज कर लें वो हमारी माइनस फोर के इक्वल नहीं बन सकती. सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं एक और. सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे लॉग ऑफ जीरो टू द बेस फोर, ये भी हमारा क्या रहता है, ये भी हमारा नॉट डिफाइंड रहता है. इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम टू की कोई भी पावर को रेज करें तो वो हमारे जीरो के इक्वल नहीं बन सकती. किसी भी पावर को ले लें तो इसका मतलब ये हमारा किसके इक्वल बन रहा है, ये हमारा बन रहा है माइनस इन्फिनिटी के इक्वल, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी. और टू की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा तो ये वन पॉइंट टू की पावर इन्फिनिटी बन जाती है. इसका मतलब ये लार्ज क्वांटिटी आ रही है जो किसको टेंड कर रही है, ये टेंड कर रही है हमारी टेंड टू जीरो. जीरो तक ये जो वैल्यू जो है हमारी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट टेंड कर रही है जीरो तक. अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि लॉग ऑफ जीरो टू द बेस वन पॉइंट टू. अब ये भी जो है ये भी हमारा नॉट डिफाइन बोलेंगे इसको भी, क्योंकि इसको भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वन बाई टू को हम कोई भी पावर्स को रेस करें तो वो हमारी जीरो नहीं बनाती है. तो ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा जो बनेगा ये बन जाएगा हमारा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि वन बाई टू की पावर क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी ये. तो इसको भी मतलब हम इसको नॉट डिफाइन ही बोल रहे हैं क्योंकि जब भी कभी हमारा आंसर जो है इन्फिनिटी में आता है तो इन्फिनिटी जब भी होगी तो वो हमारी क्या बन जाती है, नॉट डिफाइन बन जाती है. अब सेकंड रिजल्ट को डिस्कस करते हैं. सेकंड रिजल्ट क्या है हमारा, सेकंड रिजल्ट है ये तो हमने पहले वाले के लिए चेक किया कि अगर हमारा एन जो है, एन अगर हमारा माइनस वन के इक्वल होता है तो तब हम इसको लॉगरिथम को क्यों डिफाइन नहीं कर पाएंगे. अब सेकंड रिजल्ट जो है, सेकंड रिजल्ट में क्या है कि हमारा जो बेस है वो हमारा जीरो से बड़ा होना चाहिए और बेस जो है वो इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए. मतलब वन के अलावा कुछ भी बेस ले सकते हैं बट ये जो है ए जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए. तो सबसे पहले हम इसका बेस अगर वन लेके देखते हैं, वन लेके देखेंगे सपोज कि लॉग ऑफ हमने बेस ले लिया इसका वन और यहाँ पे ले लिया हमने फाइव. अब मुझे बताओ कि वन की पावर को हम क्या रेज करें कि वो हमारी फाइव के इक्वल बन जाए. वन की पावर को अगर हम रेज करते हैं, अगर वन लगा लेते हैं, टू लगा लेते हैं, थ्री लगा लेते हैं, हंड्रेड लगा लेते हैं, थाउजेंड लगा लेते हैं, कोई भी वन की पावर जो है वो वन की पावर को रेस करें वो हमारे फाइव के इक्वल नहीं बन सकती है. फाइव के इक्वल नहीं बन सकती है इसलिए हम इसको भी लिखेंगे नॉट डिफाइन, क्योंकि हम इसको भी जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं हो पा रही है. क्योंकि वन को, वन की कोई भी ऐसी पावर्स को हम रेज नहीं कर सकते कि वो हमारे फाइव के इक्वल हो जाए. अब सेकंड रिजल्ट जो है, सेकंड अगर हम लें, अगर मैं बेस को अगर जीरो ले लेता हूँ,
लॉग ऑफ 5 टू द वेट्स 0। अब मुझे बताओ कि मैं 0 की क्या पावर्स को रेज करूं कि वो हमारी 5 के इक्वल बन जाए, ये भी नहीं हो सकता। इसका भी हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने क्या बोला है, ए की ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 0 से बड़ा होना चाहिए, मगर हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं। तो 0 की कोई भी पावर को हम रेज करके रेज करें और वो हमारा 5 के इक्वल नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो ये हमारा जो है, ये भी इसका रिजल्ट जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। उसके बाद अगर और एग्जाम्पल लूं मैं, लॉग ऑफ -2 की पावर 32। अब -2 की पावर 32 है, -2 की पावर अगर मैं 32 लेता हूं तो 32 पे जो है ये वैल्यू जो है बन जाएगी 2 की पावर 5, मगर वो हमारी माइनस में वैल्यू आती है, माइनस में वैल्यू आ रही है, और इसलिए हम ये जो 32 जो है वो -2 को अगर हम रेज कर रहे हैं, -2 की पावर अगर 5 बनाते हैं तो ये हमारा 32 बनता है, बट -32 नहीं बन पाएगा। हमें चाहिए क्या, क्योंकि -2 की पावर को रेज किया 5 आ गया, तो -2 की पावर 5 को अगर रेज करेंगे तो वो होता है हमारा -32, मगर यहाँ पे हमारा क्या है, 32 है, इसलिए -2 की पावर भी को भी रेज करके हम 32 नहीं बना सकते। अब सिंपल एक सिमिलर एग्जांपल है, इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा जो है रिजल्ट, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। मगर एक चीज़ है, अगर हमें कोई बोला जाए कि लॉग को अगर हम यहाँ पे -2 लेते हैं, दोबारा से -2 ले रहे हैं, यहाँ पे 16 ले रहे हैं, अब हमें पता है कि -2 की पावर को अगर मैं रेज करता हूँ 4 के इक्वल तो वो हमारा जो है 16 बना देता है, बट इसके लिए जो है ये बन पा रहा है और यहाँ पे नहीं बन पा रहा। दोनों का बेस तो सेम रखा हुआ है, बट जो वैल्यू जो है हमने चेंज की है, एन की जो वैल्यूज हैं वो चेंज की हैं। मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसमें कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा है हमारा, दोनों में अलग अलग सोल्यूशन आ रहा है कि -2 को रखा तो वो माइनस माइनस स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे -2 रखा तो वो 16 पावर्स को हमने 4 रखा तो वो 16 आ गई। इसका मतलब इवन के लिए कुछ और वैल्यूज आ रही है, अगर इवन पावर्स को रख रहे हैं तो वो सेम निकल रही हैं, अगर हम आड में रख रहे हैं तो उसकी पावर्स कुछ अलग आ रही है। इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, इसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा है, इसमें हमारा जो बन रहा है वो मैनी वैल्यूड फंक्शंस, मैनी वैल्यूड जो है बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए जो है ये जो माइनस वाली वैल्यूज जो है वो इसमें इस कंडीशंस में हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी, किसमें कि जिसमें ए जो है लेस देन 0 हो जाए। अब एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, जैसे सपोज कि हमने लिया, क्या हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, इसको भी हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी जो है हमारा यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर 1 की पावर को अगर मैं 1 रेज करता हूँ वो भी 1 के इक्वल आ जाती है, क्योंकि 1 की पावर को 1 रेज किया वो भी हमारी 1 के इक्वल आ गई, 1 की पावर को 2 रेज किया वो भी हमारी 1 के इक्वल आ गई, 1 की पावर को मैंने 100 रेज किया वो भी हमारी 1 के इक्वल आ गई, 1 की पावर को मैंने 1000 रेज कर दिया वो भी हमारी 1 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको भी जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे, किसको, 1 को, क्योंकि इसमें भी जो है मैनी वैल्यू जो है मैनी वैल्यू आ रही है और यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको भी जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट में क्या है कि लॉग ऑफ एन, अब इसमें बेस भी हमारा 1 है, सॉरी एन है, और ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। अब इसमें जो होगा कंडीशन वही सेम, लॉगरिथम की जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि एन जो है हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमारा जो है, एक तो ये है, सेकंड हमारा एन ग्रेटर देन 1, वही जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। सिंपल क्या है, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे करके होती हैं। जैसे सपोज कि लॉग ऑफ 5 है, यहाँ पे भी हमारा 5 है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 5 की पावर को क्या रेज करूँ कि वो हमारा 5 के इक्वल बन जाए, तो सिंपली हमें पता है कि अगर मैं इसको 1 रेज करता हूँ तो ये 5 की पावर को अगर मैं 1 रेज करता हूँ ये इक्वल टू 5 आ जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी बेस में भी 100 है,
कि 100 की पावर को रेस क्या करूं कि वो 100 बन जाए। अब मुझे पता है कि 100 की पावर अगर 1 हो तो वो हमारा 100 बन जाता है, तो ये हमारा 100 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट जो है, अगर यहाँ पे 18 ले लेता हूँ, सपोज कि 18 ले लिया, यहाँ पे भी 18 ले लिया। अब 18 को मैं क्या, 18 की पावर्स को क्या रेज करूँ कि वो 18 बन जाए, वही हमारा 1 के इक्वल बन जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारा बेस और ए और एन अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये हमारा 1 के इक्वल बन जाता है, सिर्फ किसको छोड़ के, 1 log of 1, और 1 को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि log, अगर एन भी अगर log of 1 है और उसका बेस अगर 1 है तब हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बाकी हर एक वैल्यूज, क्योंकि उसमें मैनी वैल्यूज जो है आ जाती हैं, बट यहाँ पे अगर 1 को छोड़ के हम हर एक वैल्यूज को हम डिफाइन कर पाएंगे। एक सिंपल सी एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, log of 3, यहां पे क्या बना हुआ है, 6 plus √6 plus √6 प्लस अंडर सिक्स, कहां तक जा रहा है, ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है कि ये हमारा कहां तक बना हुआ है, इन्फिनिटी तक बना हुआ है। सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू √6 plus √6 plus √6 plus अनफिनिटी तक जा रहा है। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि जो y है हमारा, y किसके इक्वल हो गया, √6 plus y। सिंपली हम दोनों को स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग टू बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा y स्केयर इज इक्वल टू 6 plus y। आगे इसको सॉल्व करेंगे, y स्केयर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब इसके हम रूट्स निकालेंगे, जब इसके रूट सॉल्व करेंगे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, जैसे हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड क्या बन जाएगा, -2। अब इस -2 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये रियल रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब हम किसको लेके चलेंगे, 3 को लेके चलेंगे और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सिंपल हमारा क्या बन गया, इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा जो बना हुआ है, ये बन गया हमारा y की वैल्यू क्या बन गई, 3 बन गई। तो क्या बन गया, ये log of 3 to the base 3 is equal to 1, ये इसका रिजल्ट हमने प्रूव करके दे दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, log of 3, और यहां पे मैं ले रहा हूं इसका क्यूब रूट 24 plus अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको भी वही सेम मेथड से करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 24 प्लस क्यूब रूट ऑफ 24 अप टू इन्फिनिटी। अब आगे क्या बनेगा, जब हम इसको क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड तो ये बन जाएगा हमारा वाई क्यूब इज इक्वल टू
24 प्लस y, तो दिस इंप्लाइज y क्यूब माइनस y माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो, ये बन गया है। अब ये बन गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, सिंपल हमने रूट्स निकालने हैं इसके। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो हमारा हिट एंड ट्रायल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या सेकंड जो मेथड है वो है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। सेकंड जो है वो है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिवीजन ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स के लिए, जैसे हमने सॉल्व करना है कि अगर हम प्लस माइनस वन ले लेते हैं, प्लस माइनस टू ले लेते हैं, प्लस माइनस थ्री ले लेते हैं, प्लस माइनस फोर लेके कोई भी वैल्यू हमने चेक करके देखना है कि क्या इसका जो है वो हमारा जो है वो इसमें सॉल्व इसमें वैल्यू लगाएं और ये हमारे जो है फैक्टर्स बन के आ जाए। तो सिंपल जो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो अगर हम थ्री लगाते हैं, सिंपल अगर हम यहाँ पे वाई की जगह अगर हम यहाँ पे थ्री लगा लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये थ्री का क्यूब माइनस थ्री माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। थ्री से नाइन, नाइन थ्री से कितना हो गया 27 हो गया। 27 में से 3 को माइनस कर लो और ये 24 आ गया इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये जीरो के इक्वल बन गया पूरा का पूरा, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो। इसका मतलब थ्री जो है वो हमारा क्या बन रहा है, वो हमारा इसका फैक्टर बन रहा है इस वाली इक्वेशन का। इस वाली इक्वेशन का जो है थ्री हमारा क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि एक तो हमारा आ गया वाई माइनस थ्री, ये फैक्टर्स बन गया वाई माइनस थ्री, और यहाँ पे क्या बन गया वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये इसके जो है ये हमारा फैक्टर्स बन जाते हैं। अब इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है, डी की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो आ रही है, इसका मतलब इसके रूट्स जो है वो हमारे रियल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई जो है वो हमारा किसके इक्वल बन गया, y इज इक्वल टू थ्री बन गया। y अगर हमारा थ्री बन गया तो हम सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं कि log ऑफ थ्री, अब बेस भी यहाँ पे थ्री आ गया और ये हमारा किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया। इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो रिजल्ट निकल रहा है वो हमारा क्या निकल रहा है, वन के इक्वल। वन मोर एग्जाम्पल, log ऑफ टू log of 4 to the base 2, ये हमारी जो है इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखेंगे हमारा क्या बनता है। सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। जैसे log of 4 है, log of 4 to the base 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। log of 4 to the base 2, भाई सेम फॉर्मूला जैसे भाई n इज इक्वल टू ए की पावर x, n क्या है यहाँ पे 4 है, a आपका a हमारा जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 की पावर x, दिस इंप्लाइज 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, x जो है ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 2 के इक्वल। आगे क्या बन जाएगा, ये तो log of 2 to the base 2, अब ये हमने ऑलरेडी जो है इसका रिजल्ट देख चुके हैं और ये इसका रिजल्ट जो है ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। अब सेकंड रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। सेकंड रिजल्ट में क्या है, log of 1 upon n to the base n is equal to माइनस वन एन ग्रेटर देन जीरो एन नॉट इक्वल टू वन। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लॉग ऑफ 0.75 और इसको ले लेते हैं 1.3, ये बन गया ऐसे करके। अब हमें पता है कि 0.75 जो है
ये हमारा किसके कुल होता है, ये होता है हमारा 3.4 के कुल। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो है लेट पी इज इक्वल टू 1.3, जैसे छोटी क्लासेस में हम लोग करते थे। अब दोनों को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 10p और ये हो गया हमारा 13.3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, ये आ गया हमारा 9p और ये हो गया हमारा 303। ये जो कंटिन्यूस वाला है, जो वाद वाला है, ये खत्म हो जाएगा, 13 में से 1 चले जाएंगे, 12 बचेंगे। और ये बन गया हमारा पी इज इक्वल टू 12/9, तो ये बन गया हमारा दिस इज इक्वल टू 4/3। तो देयरफॉर लॉग ऑफ 0.74 की जगह हम लगाएंगे यहाँ पर 3/4 और ये बन गया हमारा 4/3। आप सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाता है, -1 के इक्वल आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको रिजल्ट बनाया है, रिजल्ट बताया है कि ये जो सेकंड रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट में जो है ये हमारा इस। अब इसकी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, लॉग ऑफ 1.5 और यहाँ पे है हमारा 0.6। अब 1.5 है, 1.5 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम तारीख सेम जो मेथड है वही सॉल्व करने का, 15/10 कर लेंगे। और ये 5p टेबल में चला जाता है, 5 3 15 और 5 2 10, ये बन जाता है हमारा 3/2 के इक्वल, 5 3 15 और 5 2 10। अब 0.6 को हम लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 0.6, ऐसे करके आ गया। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10p हो गया। तो ये जब हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारा 6.6 बार। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट करके बन गया हमारा ये 9p इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब p हमारा जो होगा वो हमारा क्या आ गया, 6/9 आ गया। तो ये हमारा बन जाता है 3 2 6 और 3 3 9। अगेन जो है ये हमारा किसके इक्वल हो गया, लॉग ऑफ 2/3 और यहाँ पे हमारा बेस क्या बना हुआ है, 3/2 एंड दिस इज अगेन इक्वल टू -1। आगे देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा लॉग ऑफ h टू द बेस 1/h, ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा -1 के इक्वल हो जाता है। अब ये जो लास्ट रिजल्ट है थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या है हमारा लॉग ऑफ 1 और यहाँ पे कोई भी बेस ले लेते हैं, एन ले लिया। ये हमारा जो है, ये हमारा जो रहता है, ये हमारा 0 के इक्वल रहता है, क्योंकि इसमें भी जो वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, एन ग्रेटर देन 0, एन नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशंस रहती है। अब 0 क्या रहेगा, जैसे सपोज की एग्जांपल अगर हम कोई ले लेते हैं इसकी, जैसे लॉग ऑफ एन ले लिया हमने 100 और यहाँ भी 1 है। अब 100 की वैल्यूज को क्या रेज करूँ कि वो 0 जो है वो हमारा 1 बन जाए। अब मुझे पता है कि अगर मैं 100 की वैल्यूज को अगर 0 रेज करता हूँ, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है 0 आएगा। अब जैसे लॉग ऑफ यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे 50 है, अब इसको भी क्या रेज करूँ, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। लॉग ऑफ 1 है, यहाँ पे 1000 है, अब इसमें भी मैं रेज करता हूँ तब भी ये 0 आएगा। अगला वाला है, यहाँ पे लॉग ऑफ 5 है, सॉरी 5 नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि एन हमने 1 लेके चलना है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5000 है।
अभी ये हमारा क्या आएगा, तब भी हमारा जीरो के इक्वल आता है।